Hi guys, I'm Kisa Shim here. This is me Zahidish. Salima. और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ट्रेलर लेके आए हैं, वो है शेर शाह का. Yes, और टीजर पे हमने ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ था. वो छोटा सा एक तरीके अनाउंसमेंट था, डेट अनाउंसमेंट थी. एंड हमने इनके गाने पे भी एक गाना जो था बहुत ही प्यारा गाना था, उस पे भी रिएक्शन दिया है. तो हम ये स्टार्ट करते हैं. जुबिन की तरफ से आया था फर्स्ट सॉन्ग वो भी, और सबको पता है मुझे जुबिन वैसे ही बहुत पसंद है और उसके गाने बहुत ही अच्छे होते हैं. तो हमें तो उसमें कास्ट नजर आ गई थी, सिद्धार्थ नजर आए थे एंड कियारा, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे थे. अब हम ट्रेलर पे देखते हैं. ट्रेलर पे क्या है कि टीजर तो सबको पता है वो छोटा सा एक लेके आते हैं हमारे लिए सस्पेंस छोड़ के. बात करें हाँ, एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. जैन सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर. क्या जगह है सर, जहाँ देखो वहाँ पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं. ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक. हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ बना रहना जरूरी है. वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत ना जुटा पाए. हम तैयार हैं जनाब. हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं. हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले. अगली बार लौट कर आ तो बस मेरे लिए आना. If you're a फौजी, then you live by chance, love by choice. And fight by profession. Lieutenant Vikram Batra. Sir. Your code name is Sher Shah. To ho tayar? Tayar. Karoge war? Tayar. Ek apna. Dushman ki har. Jeet apni. Dushman ki har. Durge Mata ki. Tum logon ki maut aasman se barsegi. Apni maut ko dushman ki maut bana. इंडियन आर्मी को आता है सर. जिदा ना होया मेरा व्याह विक्रम नाल तो फिर मैं कभी किसी भी नाल ब्याह ना करूंगी. कुछ भी हो जाए तिरंगा हम ही ले रहे हैं. ठाकुर विशेषा पास मैसेज होगा. ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर. फॉगस को रिलीज होने वाली है बट Amazon Prime पे. टू इंडिपेंडेंस डे. ओके, ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है बट बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रेलर था. और जिस तरीके से इसमें जो लाइंस एंड वर्डिंग्स यूज किए नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग है. सबको तो वैसे भी पहले से ही पता होगा कि ये ट्रू बेस स्टोरी पे इन लोगों ने बनाई है. जो वॉर हुई थी 1999 में उसी पे ही इन लोगों ने बनाई है. पूरी स्टोरी देख हम जरूर देखेंगे, यानी ऑब्वियसली कौन नहीं होगा जो नहीं देखना चाहेगा. बट स्टिल हम लोग है ना यही दुआ करेंगे एंड यही चाहेंगे कि सब एज अ पॉजिटिव वे में सब इस मूवी को देखें एंड अच्छा लें. बट मैं भी इस इंतज़ार करें जल्दी से रिलीज हो तो मैं भी इसकी एक्चुअल स्टोरी देखूँ कि क्या है. इंडिपेंडेंस डे पे यू नो हमेशा एक न्यू होती है, मूवीज आती है. ठीक है, अब ये ट्रू बेस पर है जो वहां पर सिचुएशन हुई, वहां क्या हुई. एंड मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि एक तो सिद्धार्थ एक ऐसे चॉकलेट बॉय है ना, उनके लिए एक रोल काफी मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट हो सकता है, बट वो जरूर करेंगे. बिकॉज एक अपनी अपनी कंट्री के लिए जो जान होती है ना देनी होती है, वो जिस तरह से अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो इतने आराम से बोल रहे हैं, इतना आराम, मतलब
ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूँ ये ट्रू है। ठीक है, लोगों का बहुत सारा कहना है कि वहाँ पर ये हुआ था, इस तरह से मरे गए थे, यहाँ पर शहीद हुए थे। सो गाइस, मेरा बोलने का है कि यहाँ पर भी जितने लोग शहीद हुए वहाँ पर भी उतने ही हुए। हम लोगों के जो है वो ये कि यार उनकी अपनी अपनी फैमिलीज है। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ आराम से कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं, हमने तो मारा ही है वो, बट हम ये नहीं सोच रहे उनकी खुद की फैमिलीज है, उनकी खुद के पर्सनल लाइफ है, उनकी उनके खुद कुछ प्रोमिसेस हैं जो वो करके घर से निकले हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए जरूर ये कहूंगी यार, जिन्होंने किया, ठीक है, जिनकी डेथ हुई वहां पर, शहीद हुए वो लोग, उनके लिए यार बहुत हेड्स ऑफ है, उनके लिए सल्यूट है, उन सबके लिए। ठीक है, और ये मूवी हम जरूर देखना चाहेंगे कि क्या है, किस तरह इमोशंस है वगैरह, हम जरूर देखना चाहेंगे। गाइस, कोई नेगेटिविटी नहीं, सब पॉजिटिविटी है। जैसे हमारा चैनल है नमकीन सच का, एक तरह से नेगेटिविटी बताने की, पॉजिटिविटी बताने की, नेगेटिविटी को हटा करके हम लोग पॉजिटिव, हम लोग चाहते हैं कि फ्रेंडशिप हो और इन सब जो चीज चल रही है ना मीडिया वगैरह में कि यार ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा नहीं वैसा भी, वो अब जाकर हम बोले वो दूर की बात है, वो खत्म हो गई है बात। अब है जो न्यू जनरेशन है वो पॉजिटिव लेके आओ यार, नेगेटिव को छोड़ो। गाइज, तो गाइज हम अपने यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।